यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालात बदतर हो गए हैं। उनकी दिक्कतों को सुनकर घर वाले परेशान हो रहे हैं। कठुआ का अनिरुद्ध यूक्रेन के खार्किव शहर में मेडिकल की पढ़ाई करता है। शुक्रवार को उसने माता पिता को वीडियो कॉल के जरिए बातचीत में बताया वो पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा खार्किव शहर में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में फंसा है। यहाँ के ATM लूट लिए गए हैं। खाने पीने के लिए 2 दिन से ज्यादा सामान उपलब्ध नहीं है। चोरियां भी हो रही हैं। वीडियो कॉल पे अनिरुद्ध ने बताया बम शेल्टर में उसके साथ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों के साथ अन्य लोग भी शामिल हैं। फिलहाल लौटने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अभी वहाँ हो रही है फायरिंग शायरिंग हो रही है वहाँ पे। और फर्स्ट वाले पे मैं हूँ, लास्ट वाले पे सब कुछ दिया हुआ। यहाँ पे इंडियंस वगैरह भी बड़े कम ना, तो कोई सपोर्ट नहीं मिली थी। पता लग नहीं रहा क्या करें क्या नहीं। ये यहाँ पे लोकल देख लो आप, सारे ऐसे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन इस टाइम बॉम्ब शेल्टर का काम करते हैं। तो खाने पीने का कुछ है कोई अरेंजमेंट यहाँ पे कि नहीं? खाने पीने का वही है, चिप्स वगैरह। बाकी खाना कहाँ से लें? वो जो ग्रोसरी स्टोर है वो फुल हो गया हुआ है। चोरियां यहाँ पे स्टार्ट हो गई हुई है। ATM से बैंक खाली हो, कैश खाली हो गया हुआ, सारा बैंक खुल नहीं रहे, सब कुछ बंद हो गया हुआ। मुश्किल तो बड़ी हो रही है। अच्छा, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ दिए है ना, पर चल कोई भी नहीं रहा। फोन करते हैं कोई फोन भी नहीं उठाता। अच्छा, अम्बेसी वालों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही? एम्बेसी वालों की वही है, वो जो थोड़ी थोड़ी कम्युनिकेशन आ जाती है कि ऐसे करेंगे हम, वैसे करेंगे। रशिया बॉर्डर से। अच्छा, वो कह रहे हैं कि वेस्ट वेस्ट की तरफ जाओ, तो वेस्ट की तरफ जाने में कम से कम 20 घंटे जाएंगे ऐसे। अच्छा, इन्होंने तोड़ दी है, क्या पता कहाँ से मिसाइल आके गाड़ी में बच जाए, तो वो भी रिस्क नहीं ले सकते। वो कम से कम इंडिया हमें वो वहाँ तक पहुँचाने का बंदोबस्त करा दे। आगे का तो उन्होंने कर दिया कि हमें इवैक्यूएट कर देंगे, पर वहाँ तक जाएँ कैसे, बात तो वो है ना। अच्छा, ये कुछ बोला नहीं किसी ने कि कोई सीज फायर करो या कुछ करो आपको निकालें? नहीं नहीं, वो तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि ऐसे कुछ करके हम निकालेंगे आपको, ये करो, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं कुछ हेल्प वगैरह कर रहे? यूनिवर्सिटी वगैरह तो कुछ भी नहीं, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, कोई नहीं है केयर करने वाला। यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अभी ये है कि खुद बचो, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाए। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, ठीक हो? हाँ, ठीक हो आप? हाँ जी। चलो ध्यान रखना अपना, और पानी वगैरह उसको नहीं खत्म होने देना। बाकी आप खाने के बिना रुक रह सकते हो, पानी का जरूर स्टॉक रखना अपने पास, और फोन अपना चार्ज कम यूज करना ताकि चार्जिंग रहे, बात होती रहे। फिर ये भी कट जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे। टेक केयर। जो है वो अटैक कर रहा है यूक्रेन पर, और यूक्रेन के भी जो नेता हैं उनका भी ये कहना है कि इंडिया को बीच में आना चाहिए। बिल्कुल, हम यही होप कर रहे हैं कि अगर वो थ्रू यूक्रेन नहीं उनको निकाल सकते, थ्रू रशिया निकाल लें, क्योंकि वहाँ से मॉस्को हार्डली कोई 30 किलोमीटर का उनका बॉर्डर है। तो बच्चों को ये भी एक होप है कि अगर हम थ्रू यूक्रेन नहीं आ पाएँ, कीव नहीं आ पाएँ, क्योंकि वो तो सारा डिमोलिश हो गया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि हमें इधर से ही रेस्क्यू करवा दें। मगर इस वक्त गवर्नमेंट उनके लिए कोई पॉजिटिव स्टेप ज़रूर उठाएं, जिससे बच्चों को थोड़ी सी होप मिले, चाहे इस वॉर के लिए वो सीज़ फायर थोड़ी देर के लिए करवाएं, ताकि वो जितने भी बच्चे वहाँ 15,000 से 20,000 फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी इंडियन गवर्नमेंट निकाल सके। एक माँ की क्या अपील रहेगी मोदी साहब से, अगर मोदी साहब ये वीडियो देख रहे हैं तो? मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो पूरी इंडियन गवर्नमेंट के बच्चे हैं। गवर्नमेंट ने आगे भी ऐसे बहुत पॉजिटिव स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से हम सभी की होप अब इंडियन गवर्नमेंट पे है कि वो ज़रूर हमारे बच्चों को जल्द से जल्द हमारे तक पहुँचाएंगे। कि डिस्टेंस जो है वो पहले भी बताया 2,000 किलोमीटर है नियर अबाउट, तो उस की वजह से जो बच्चों का वहाँ पे रास्ते में चेर्नोबिल एटॉमिक पावर स्टेशन भी है जो वो लीक हो रहा है, जैसे अपने भोपाल में हुआ था गैस लीक, वहाँ पे बच्चों की जो है कंडीशन वहाँ से निकलने से भी ख़राब हो सकती है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील रहेगी कि कम से कम रशिया से बात करके, जो नियर अबाउट बॉर्डर है रशिया का, जैसे रशिया ने अपने सिटीजन्स को वहाँ से निकाला है, बच्चों को वहाँ से थ्रू मास्को भी फ्लाइट्स अरेंज करके वापस इंडिया भेजा जाए।
मेरे को ये भी बताएं आपकी जिस तरह से आपकी उनसे लगातार जो है बातचीत हो रही है, तो अभी के क्या हालात हैं और जिस तरह से वहाँ पे हालात जो हैं बड़ी जल्दी वहाँ पे तब्दील हुए, बड़ी जल्दी वहाँ पर ये सब कुछ हो गया, तो जब ये ऐसे हालात नहीं थे तो क्या उनकी वापसी की वो टिकट वगैरह करवाई गई थी? एक्चुअली हमने पहले उसकी टिकट कराई थी 2 मार्च की, क्योंकि टिकट अवेलेबल नहीं थी 2 मार्च की। फिर जब देखा हमने भी हालात ख़राब है, तो हमने 2 मार्च की बजाय उसको बोला कि तू टिकट शॉर्ट कर ले, तो फिर हमने उसकी टिकट जो है 26 की करवा दी, लेकिन 24 की। तो 24 को जब उसने निकला तो 23 सुबह तो अटैक हो गया, 24 को सुबह हाँ तो अटैक हो गया, तो वहाँ से वो निकल ही नहीं पाया, तो अभी वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, ना वो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अभी तक की कार्रवाई पूरी इस माहौल में उसको किस तरह से देखते हैं? देखो अभी तो एम्बेसी जो है फेसबुक पर या अदरवाइज सोशल मीडिया के ऊपर एडवाइजरी जारी करी कि आप ऐसे करो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बच्चों के पास कोई एम्बेसी का बंदा या कोई भी उनके साथ कॉन्टैक्ट रबता उनके पास पहुँच ही नहीं रहा है हैवी शेलिंग की वजह से। तो खाने पीने की किस तरह से अभी उनके पास अभी 2-4 पैकेट चिप्स के पड़े हुए हैं, पानी भी ख़त्म हो चुका है, गैस तो वहाँ पे है ही नहीं पहले भी, तो खाने की बड़ी वहाँ पे दिक्कत है। बच्चों की कंडीशन वहाँ पे बहुत बुरी है, सभी बच्चों की।